खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 66 दिनों से मृत सुअरों के मुआवजे की मांग एवं पशु चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव पर बैठे बसोर समाज के आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हुए काले गुब्बारों के माध्यम से ज्ञापन भेजकर भारी विरोध जताया है। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे गरीबों का नाम लेकर हवा हवाई बात करते हैं, लेकिन बसोर समाज के पीड़ितों को अभी तक न्याय नहीं मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गरीब बसोर समाज फरियाद करना चाहता था, पीड़ा बताना चाहता था, लेकिन सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन लगातार मोहनिया टनल उद्घाटन को लेकर कार्यक्रम में फेरबदल करता रहा, जिसके विरोध में गुस्साए आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया, काले गुब्बारे छोड़कर विरोध किया और यह भी कहा कि कब तक शिवराज गरीबों का हाल जानने से भागेंगे, हम लोग आंदोलन छोड़कर जाने वाले लोग नहीं हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री दोबारा रीवा की धरती पर आएंगे या उनका कोई मंत्री आएगा तो उनको घेरने का काम किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोर्चे के नेता शिव सिंह, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंकु संत कुमार पटेल, ललित मिश्रा, राम नरेश सिंह, पप्पू कनौजिया, तेजभान सिंह, हरिशंकर सिंह, राजबली बिंद सहित आंदोलनकारी प्रदीप बंसल, सकोचिल प्रसाद बंसल, राजेश रमेश उर्फ राजभान, राजा राम, सरजू सुरेश, बाबूलाल आदि सहित सैकड़ों महिला पुरुष आंदोलनकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन पत्र एक हवा के माध्यम से उड़ा के भेजा है, किसको भेजा है? देखिए, दो महीने से अधिक समय से संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बसोर समाज आंदोलित है। यहाँ 8-8 विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम ऊपर के जो नेता हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। कोई अभी तक गरीब बसोर समाज के साथियों का को न्याय नहीं मिला, ना उनकी मांगों पर कोई विचार किया गया है। हम लोगों ने ऐलान किया था 26 नवंबर को भोपाल के अंदर कि जिस दिन शिवराज सिंह रीवा आएंगे उनको घेरने का काम किया जाएगा, लेकिन जो 3-4 दिन से प्रोग्राम आते थे उससे हम लोगों को गुमराह किया गया और ना ही प्रशासन ने मिलने की बात किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गई है और ये सिर्फ हवा में बात करते हैं, हवा हवाई मुख्यमंत्री हैं। इसलिए हम हवा में ज्ञापन सौंप करके गुब्बारे के माध्यम से भेज रहे हैं कि शायद ये हमारा ज्ञापन जो है हवाई जहाज में बैठे बैठे ये हमारा ज्ञापन पकड़ लें, कुछ तो इनके दिमाग आए, कुछ तो गरीबों के बारे में ये सोचें। इसलिए आज हम लोगों ने ये विरोध का तरीका अपनाया है और आगे हम ऐलान करते हैं इस रीवा के अंदर कि कितना आप भागोगे, जिस दिन आप रीवा की धरती से गुजरोगे तो तुम्हें घेरने का काम किया जाएगा। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे हैं जो बसोर समाज के सुअर मरे उनको मुआवजे का मामला है, उनको जो बांस बंद कर दिया गया, बांस उपलब्ध कराती थी सरकार, बांस बंद कर दिया है, ये तमाम मुद्दे जो है जुड़े हैं। और जो वेटनरी विभाग के आला अधिकारी हैं जिन लोगों ने सुअरों को इंजेक्शन से शूट किया उनके खिलाफ FIR का भी मामला है कि उनके खिलाफ FIR कायम हो। ये प्रेजेंट सरकार जो है ये आदिवासियों की, गरीबों की, ये पिछले जाति के लोगों की बात करती है, उन्हीं के वोट बैंक से आज सरकार बैठी है, आपका क्या मानना है कि उनको यूज किया जा रहा है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हैं ये फर्जी बात करते हैं गरीबों की। ये इनको यदि गरीबों की सुनना होता तो इनके कोई ना कोई तो प्रतिनिधि आज तक धरने पर आते। पूरी तरह से ये गरीब विरोधी हैं और ये प्रदेश विरोधी हैं, जनहित से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इस मुख्यमंत्री। आज भी विभिन्न प्रदेशों में उनकी सरकार बन रही है तो क्या नीति है उनकी, क्या कैसे आ जाते हैं? देखिए, अब चुनाव के हथकंडे हैं, अभी गुजरात का चुनाव हुआ है तो वहाँ तमाम इन्होंने उद्योगपतियों को धमकी दिया है कि हमारी केंद्र में सरकार है, यदि हम यहाँ पर हमारी सरकार नहीं बनी
तो आपको भारी नुकसान होगा। इस तरह से तमाम धमकियां दे करके इन्होंने गुजरात के अंदर कब्जा करने का काम किया है, लेकिन देश के अंदर 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे।